I would like to now invite Sri Bharat Bhushan Tyagi ji, who will talk to us about this ideas of the importance of thinking in this whole process of moving towards a new paradigm for sustainable transitions. Tyagi ji's Hindi is so lovely to listen to. Aiye. सभागार में उपस्थित मेरे सभी स्नेही मित्रों को मैं हृदय से साधुवाद करता हूं, प्रणाम करता हूं। आप स्वीकार करेंगे, मुझे अच्छा लगेगा। मेरे स्नेही मित्र यहां पर कपिल भाई सर्वदमन जी और मेरी बहन भी है ऋचा कुमार, और मैं आज आदरणीय शंभू सर के नेतृत्व में इन सारी चीज़ों को देखा। शाह साहब को भी मैं हृदय से साधुवाद करता हूं, और पूरे मंच के साथ साथ पूरे सभागार में सभी को हृदय से प्रणाम करते हुए मैं कुछ मुद्दे आपके सामने रखना चाहूँगा। वैसे मैं एक प्रयोगकार कृषक हूं, भाषा में कहीं आपको कुछ अलग से ना लग जाए तो ऐसा कुछ ना हो। हिंदी बोलने का अभ्यास है, कुछ अंग्रेजी के शब्द बीच में ज़रूर आएंगे, कोशिश करूँगा कि आप तक वो बात चली जाए, क्योंकि इस समय भारत में ऑर्गेनिक और प्राकृतिक खेती का जो अंतर्द्वंद है, अब ये इंस्टीट्यूशनल मोड में आगे बढ़ रहा है। तो ऐसी स्थिति में हम इसको कैसे आगे लेकर चलेंगे? जब तक गेंद किसानों के हाथ में थी तो ज़्यादा सक्सेस हम नहीं हुए, लेकिन जब संस्थान इस देश में और यूनिवर्सिटियां इस क्षेत्र में आएंगी तो बड़े काम होने की संभावना है। इसलिए मेरे कुछ सुझाव बिंदु हैं जिनको मैं प्रस्ताव के रूप में आपके सामने रखूँगा। मेरी बहुत सारी बात आप लोगों ने कह दी है, कुछ थोड़ा और ध्यान आकर्षण करा दूं। दो चार मिनट ज़्यादा भी ले लूं तो मुझे क्षमा करेंगे। पहला मुद्दा यह है कि मैंने एक 40 वर्ष के अनुभव से देखा कि इस धरती पर समस्या के लिए जो भी प्रयास हुआ उसमें चूक मानव की है, जीव जानवरों की नहीं है, ऐसा मुझे आभास हुआ। तो मेरे मन में सवाल उठने लगा कि समस्या का कारण तो मनुष्य है, और उसको ठीक हम गाय से करेंगे तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अब ध्यान से सुन लेंगे इस बात को। यूनिवर्सिटियों को मूल समस्या कहाँ है उस पर काम करने की ज़रूरत है। प्रोटोकॉल की वस्तु को गाय नक्षत्र और कृषि की कोई इनपुट मैनेजमेंट नहीं होता, हमको ह्यूमन मैनेजमेंट की दिशा में ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। कहीं कहीं धोखा ना हो जाए कि हम लोग कहीं रिसर्च के आधार पर कमज़ोर पड़ जाएं। और यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि चार तंत्र एक साथ बैठे हैं, अनुसंधान के लोग भी हैं, शोध के लोग भी हैं, और शिक्षा और नीतिगत विषयों पर भी बात करने वाले लोग हैं। तो मेरा मन बहुत खुशी से भर जाता है कि मैं अपनी बात को सही लोगों तक पहुँचाऊँ। और मैं इरमा में पहली बार आया हूँ, सुनता रहा बहुत, कभी जाऊँगा, तो आज सौभाग्य मिला है। इन बातों को बिंदुवार रखते हुए मैं पहला बिंदु रखूंगा कि इस देश को इस समय समीक्षा की आवश्यकता है, और जो भी साथी यहाँ पर नोट कर सकते हैं तो जरूर लिखें। समीक्षा का मतलब है समस्या कहाँ पर थी और उसके साथ मूल्यांकन जरूर करें कि उसको ठीक कैसे किया जा सकता है। तो जब हम समस्या को और सही को दोनों को साथ साथ देखते हैं तो हमको एक सही तस्वीर उभर कर आती है, और कई बार हम गलती को भी सही मानकर आगे बढ़ते हैं तो वो गलती खुद में दिखने लगती है, और यहाँ से मेरे अंदर सही के प्रति जिज्ञासा का उदय होता है। तो इस समय देश में वैचारिक एक रूपता की जरूरत है, ये शोध का विषय है। हम अपने अपने तरीकों पर, अपने अपने स्पेशलाइजेशन पर एक युद्ध की तरह बात कर रहे हैं जिसमें से साथियों कुछ निकलेगा नहीं, क्योंकि तरीका हमेशा अलग अलग रहेंगे। जीने के लिए समझना, सीखना और करना तीन अलग अलग पार्ट हैं। सीखने और करने में हम अलग अलग रहेंगे, लेकिन समझने के पार्ट पर कभी अलग अलग हो नहीं पाते, क्योंकि जिस दिन हमको संबंध का पता लगता है, व्यवस्था का पता लगता है, तो धरती की पूरी व्यवस्था और मनुष्य के साथ पूरा संबंध एक जैसा ही दिखता है। ऐसा मैंने अपने जीने में अनुभव किया है, मैं उसी बात को आपके सामने बोलने आया हूँ। मैं कोई किताब नहीं पढ़ के आया हूँ, एक जिंदगी की सच्चाई और उसके साथ जो संघर्ष हुआ
वो भाषा मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। ये मेरा प्रस्ताव है, जांचना आपका काम है, मेरी किसी बात को माना ना जाए। मैं बात को जोड़कर देखता हूँ कि समझ का स्तर आपका और मेरा एक ही जैसा है, करने के स्तर पर फर्क जरूर आ जाएगा। तो मैं फर्क वाले स्तर पर ज़्यादा बात नहीं करूँगा। तो समीक्षा में मैं तीन मुद्दों पर समीक्षा आप जरूर करें, एक तो आर्थिक, दूसरा प्राकृतिक और तीसरा सामाजिक। हमारे विश्वविद्यालयों को इस प्रकार तीन मुद्दों पर गहरी समीक्षा की जरूरत है। देश में आर्थिक असंतुलन का कारण क्या है, प्राकृतिक असंतुलन का कारण क्या है और सामाजिक असंतुलन का कारण क्या है। यदि इन तीन असंतुलनों का हम एक कोई मेन कंटेंट निकाल पाए तो उस कंटेंट को यदि सही दिशा में ले जाना चाहें तो रास्ता आसान हो जाएगा। 1987 में मैं कन्वेंशनल फार्मिंग करते हुए मैंने देखा कि उत्पादन बढ़ने से मेरी इकोनॉमी निबड़ी है। तो उस समय मैंने पूरे दुनिया के वैज्ञानिकों से जो मेरे संपर्क में थे उनसे पूछना चाहा कि उत्पादन बढ़ने से इकोनॉमी क्यों नहीं बढ़ रही, ये मेरी समझ में नहीं आ रहा। तो उस समय मुझे कुछ लोगों ने कहा कि लिख कर देखो। तो पहली बार पता लगा कि मैं किसान होकर कुछ लिखता नहीं हूँ। इसलिए मेरा एक निवेदन है, हमारी यूनिवर्सिटीज पर ध्यान दें कि हमारे किसानों को समझना भी सिखाएं और लिखना भी सिखाएं। वो ना कुछ समझते हैं ना कुछ लिखते हैं, वो बस करते हैं। तो इस दृष्टि में यदि हमारा ध्यान जाएगा तो ये शोध का विषय है। हमने लिखा तो हमको पता लगा कि जो इनपुट बेस एग्रीकल्चर है, और चूंकि मैं थोड़ा अर्थशास्त्र की दृष्टि से मजबूत आदमी हूँ तो मैंने देखा कि इनपुट का तो बड़ा खेल है दुनिया में। इनपुट में तो सीधी एक परिभाषा है कि हमको इनपुट कम और आउटपुट ज़्यादा, और उसके लिए हमको तीन फंडे हैं, मेहनत कम कैसे हो, खर्च कम कैसे हो और समय कम कैसे लगे और ज़्यादा कैसे मिल जाए। तो लूट मचाने का एक फंडा है। तो ये प्रकृति के साथ तो नहीं चलेगा। तो मैंने उसका रिजल्ट देखा, मुझे पता लगा कि सारी एग्रीकल्चर की इनपुट का जो सेंटर है वो बाजार बन गया। मैं ट्रैक्टर से जुताई करता हूँ, ट्रैक्टर का सारा केंद्र जुताई है, बाजार है। मैं सिंचाई करता हूँ, उसका सारा केंद्र, उसकी मशीन, टूल, ईंधन, मरम्मत, पुर्जा, सब कुछ बाजार है। रासायनिक खाद बाजार से, बीज बाजार से, दवाई बाजार से। मुझे पहली बार एहसास हुआ 1987 में कि खेती मैं नहीं करता हूँ, बाजार करता है। दूसरी बार मैं पहुंचा, मैं अपने उत्पादन को बाजार में बेचने गया तो कीमत बाजार ने लगाई और अपनी शर्तों पर खरीदा, और वहाँ एक खेल है डिमांड और सप्लाई, किसी भी देश और दुनिया की सरकार उनको बदल नहीं सकती। ये मानसिक चेंज के साथ होगा, ये इकोनॉमी का एक फंडा है। तो दूसरी बड़ी मौत ये थी कि मैं कभी भी कुछ भी पैदा कर लूँ, बेचते समय मेरे पास कोई अधिकार नहीं है। तीसरा, जब मैं उसको कंज्यूमेबल बनाता हूँ, उसका उपभोग करने जाता हूँ, तो पता लगा कि वो उसके लिए प्रोसेसिंग का काम भी बाजार करता है और मूल्य संवर्धन के बाद में मनमानी कीमत लगाता है और उसके बाद में उपभोक्ता को भी लूटता है। और पता लगा मैं किसान होकर भी लूटा और मैं उपभोक्ता होकर भी लूटा। ये मेरे गांव की दुर्दशा है, इसको मैं एग्रीकल्चर सेक्टर में गाँव की दुर्दशा का मुख्य कारण मानता हूँ। ये हमने देखा। इससे क्या नुकसान हुआ? इससे ये नुकसान हो गया कि हमारी सारी इकोनॉमी बाजार सेंट्रिक हो गई और हमारे पूरे गांव के कार्य के स्तर पर जो समझौते थे, काम करने के जो हमारे गांव के समझौते थे, वो साथियों मेरे सामने टूटे हैं। मैंने अपने गांव को बिखरते देखा है अपने सामने और आज तक भी हम समेट नहीं पाए। जब सारी चीज़ें बाजार में मिलने लगी तो हमारे काम के स्तर पर जो समझौते थे, नाई बाल काटता था, कुम्हार बर्तन बनाता था, हमारा लोहार कुछ करता था, वो सारी टूटे। इसलिए कार्य के समझौते भी नहीं चलेंगे, समझौते कहीं ना कहीं समझ के स्तर पर बनाने होंगे। और समझ के समझौतों को कैसे आगे बनाना होगा, इसके लिए भी विचार करने की जरूरत है। हम पुराने इतिहास को लौटाकर, पुराने गांव के तस्वीर का उदाहरण दे देकर कोई नई संकल्पना करेंगे तो नहीं होगा। इस आधुनिकवाद में हमको विज्ञान, गति और शोध के साथ आगे बढ़ना है। ये एक महत्वपूर्ण मुद्दा सामने आया। और एक बड़ी बात यह हुई कि किसान अकेला रह गया, वो परिवार से भी टूट गया और उस समाज से भी टूट गया। और इसको सहसा बहुत बहुत मजबूती के साथ, चूंकि आप चेयरमैन हैं,
इस कंटेंट को भारी किसी शोध करने की जरूरत है कि जब हमने किसान को अकेला करके छोड़ दिया, ना उसकी कोई डेफिनेशन है, ना वो परिवार के लिए जीता है, ना समाज के लिए जीता है, तो राष्ट्र के लिए नंबर कहाँ से आएगा? वो तो अकेला तनाव में इस समय नशे और मनोरंजन के लत में शिकार है। उस देश की मैं बात कर रहा हूँ। तो यहाँ सवाल ये हुआ कि अब हमने 10,000 फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी बनाने का टारगेट रख दिया और किसान अकेला है, वो कैसे सहकारिता को समझेगा? फिर कहीं उल्टा पलटा होगा। ऐसी स्थिति में हमको प्राकृतिक स्तर के साथ साथ में और सामाजिक स्तर का भी ठीक ठीक मूल्यांकन करने की जरूरत है। फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी इस समय एक नया टूल है, बहुत अच्छा टूल है देश के लिए उभरने के लिए। उस पर गहरा काम हो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। मैं इरमा के साथ नहीं, पूरे देश के लिए अर्पित हूँ। मेरी ड्यूटी कहीं भी लगाएंगे तो मैं सैनिक की तरह आपके साथ रहूँगा। मैंने अपने परिवार की बहुत सुंदर व्यवस्था बनाई हुई है। मेरे परिवार में सारी महिलाएं प्रोसेसिंग का काम करती हैं, छोटा बेटा सर्टिफिकेशन का काम देखता है, बड़ा मार्केटिंग देखता है, मैं प्रोडक्शन भी देखता हूँ और मैं ट्रेनिंग भी देता हूँ। और पूरे महीने परिवार में 200-300 लोगों का आवागमन रहता है और बहुत सुंदरता से हम पूरे देश का काम कर सकते हैं। मैंने देखा यही किसान का परिवार है। किसान का परिवार एक अपने आप में बड़ी शुद्ध यूनिवर्सिटी है। पूरे कार्यक्रम वहीं होते, इकोनॉमी भी अच्छी हो रही है, सब अपने में मस्त हैं, कोई झंझट नहीं है, कोई तनाव नहीं है। ऐसे परिवार की कल्पना से मैं राष्ट्र की समृद्धि का एक आकार उभरते हुए देखता हूँ, इसलिए आपसे निवेदन करने के लिए आया हूँ। तो ऐसी स्थिति में प्राकृतिक असंतुलन के मुद्दे पर आपने देख लिया, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, डाइवर्सिफिकेशन, इकोलॉजी, दुनिया भर की चीज़ें हैं, उनकी मैं ज़्यादा चर्चा नहीं करूँगा। सामाजिक स्तर पर ज़रूर एक चर्चा करूँगा आपसे। जब मैंने देखा कि किसान तो अकेला है और उसके चारों तरफ जब हम आज़ादी के बाद में हरित क्रांति हमने अपनाई तो हम परिस्थितियों से चले थे साथियों। हमारे पास ना तो कृषि तंत्र था, ना हमारे कोई मंत्रालय थे, सही ढंग से काम करने का तरीका भी नहीं था। देश में उत्पादन कम था ज़्यादा था मुझे पता नहीं, लेकिन भुखमरी का कारण केवल उत्पादन नहीं था, हमारे पास में कोई वितरण प्रणाली और कोई संस्थान जैसी चीज़ें भी नहीं थी। आज़ादी के बाद में हमने हरित क्रांति के नाम से जो प्रयास किए उसमें मंत्रालय से लेकर अनुसंधान केंद्र, शिक्षा, विद्या, सब कुछ को लेकर पूरा तंत्र, तकनीकी और विज्ञान, बैंक और सामाजिक सेक्टर ने भरपूर काम किया और हम हरित क्रांति में सफल हुए। आज मेरे सामने चुनौती ये है और मेरी पीड़ा का भी विषय है, मैं आपसे निवेदन करने आया हूँ कि इतने बड़े तंत्र की उपेक्षा करके हम केवल गाय और गोबर को केंद्र में रखकर कौन सी तरक्की कर लेंगे, कौन सा परिवर्तन कर लेंगे? इसलिए सामाजिक असंतुलन ना हो इस समय अनुसंधान, शोध, शिक्षा और नीति और सारे देश के किसान और जितनी भी सिविल सेक्टर्स हैं, वो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उन सबको मिलकर कहीं ना कहीं एक रूपता में खड़े होने की जरूरत है। भारत के पास पूरे विश्व को संदेश देने का बहुत बड़ा अवसर है। हम क्या कर रहे हैं, हम अपने अपने तर्क में बढ़ रहे हैं और अपने अपने को विशेषज्ञ मानकर अपनी चीज को बड़ी और सामने वाले को छोटी कर रहे हैं। जिस भी किसान ने, जिस भी इस धरती पर किसी भी प्रयोगकार ने, किसी भी वैज्ञानिक ने धरती के साथ जुड़कर जो काम किया है साथियों, उनको नित नित साधुवाद करने की जरूरत है और उन सभी चीज़ों को कंपाइल करके हमको कहीं एक रूपता के साथ आगे बढ़ने की जरूरत है। हम तर्क में ना फंसें, कम से कम एग्जिस्टेंस के साथ आगे बढ़ने की कोशिश करें। ये हमारी यूनिवर्सिटियों के लिए एक बड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा है कि हम पूरे देश में कंटेंट को एक रूपता में कैसे लाएँ, इस पर एक रिसर्च जरूर हो। और मैं इरमा से कहूँगा कि ग्राम विकास के केंद्र पर इस पर एक तो शोध पत्र लिखा जाए, गंभीरता से बात है, कहाँ कहाँ कंटेंट डाइवर्ट होता है, डाइल्यूट होता है, उसको हम मेन स्ट्रीम में कैसे लेकर आएं। यदि हम बहुत बड़ा बदलाव चाहते हैं तो उसके लिए हमको ये काम बेसिक लाइन में करने की ज़रूरत है। ये आपसे मेरा निवेदन। अब मैं थोड़ा सा रिसर्च के मुद्दे, आप उसको ऑर्गेनिक कहो, नेचुरल कहो, मुझे तो पता नहीं, ज़्यादा झगड़े समझ में नहीं आते, कई बार तो अब नाम लेने से भी डर लगने लगा है, पता नहीं ये समाज कौन से पाले में खड़ा कर दे और क्या कहने लगे। तो ऐसी स्थिति में बड़ी तकलीफ के साथ मैं आपसे कहूँगा कि नेचर के कुछ परफेक्ट रूल्स हैं जो मनुष्य ने नहीं बनाए, उनको बोलते हैं हम एग्जिस्टेंशियल रूल्स। और वो जो एग्जिस्टेंस रूल्स हैं वो कोएग्जिस्टेंस में काम करते हैं, मतलब कोएग्जिस्टेंस हमारा और आपका बनाया हुआ नहीं है, वो स्वयं स्फूर्त है,
नित्य निरंतर है, जो कब से चल रहा है और कब तक चलेगा हमारे पास इसके लिए केवल अनुमान है, हमारे पास कोई टाइम फ्रेम नहीं है। उसमें चार बेसिक प्रिंसिपल्स हैं। जब कोएग्जिस्टेंस को हम देखते हैं तो उसमें सबसे पहला प्रिंसिपल है कि यहाँ पर कंप्लीमेंट्री सिस्टम है, कहीं भी धरती पेड़ पौधे और पशु पक्षियों में विरोध नहीं है। कोई भी एक क्रिया, मैं पिछले 15 वर्ष के शोध की बात मैं आपको कह रहा हूँ, मैं कृषक के रूप में 15 वर्ष से शोध कर रहा हूँ, खुरपी वाला किसान हूँ मैं, मैं वो खुरपी वाला किसान हूँ जिसकी खुरपी साल भर में 2 खुरपी घिस जाती है, 4-4 इंच का लोहा घिस देता हूँ मैं जमीन के अंदर, क्योंकि मैंने किसान के सम्मान को देखा है। तो पहला मुझे पता लगा कि यहाँ तो कंप्लीमेंट्री है, इसलिए यहाँ हमको मित्र कीट शत्रु कीट ये अच्छा ये बुरा ये तुलना ये प्रतिक्रिया ये करने की जरूरत ही नहीं है। धरती पेड़ पौधे और पशु पक्षी तीनों मिलकर ही यहाँ पर एक सस्टेनेबिलिटी को बनाए हुए हैं। इसी में जो सिस्टम है सॉइल की फर्टिलिटी का भी यही है, मतलब यहाँ पर हर क्रिया का नियम है, हर क्रिया का नियंत्रण है और हर क्रिया का संतुलन है। बड़ी सुंदर व्यवस्था है, आप इस पर शोध करिए। बड़े मैं हृदय से कह रहा हूँ कपिल भाई, इसको जरूर नोट करें, बार बार कभी आपके दर्शन करने का मौका मिलेगा या नहीं मिलेगा, लेकिन आपके अंतरंग में और हमारे अंतरंग में तो कोई अंतर नहीं है। इसलिए जरूर विश्वविद्यालय में कॉम्प्लीमेंट्री एक्शन क्या है कि वो नियम नियंत्रण संतुलन में काम करता है और उसका प्रतिफल बहुत सुंदर है। जिसने मुझे जगाया वो प्रतिफल है कि वहाँ पूरकता उपयोगता और समृद्धि है। अर्थात जब हम लीनियर इकोनॉमी को सर्कुलर इकोनॉमी में ट्रांसफर करने की बात करते हैं तो समृद्धि का सूत्र केवल और केवल धरती की व्यवस्था में है। एक दाने से 1000 दाने पैदा होते हैं और एक खेत में अनेक फसल पैदा होती हैं। ये विज्ञान हमने समझा, इस ये विज्ञान शोध का विषय है कि एक दाने से कैसे अनेक दाने पैदा होते हैं और एक खेत में कैसे अनेक फसल लगाई जा सकती हैं, इसको कोएग्जिस्टेंस को हमको समझना है। इसके लिए हमें सेकंड लॉ है जो उसको लॉ ऑफ डाइवर्सिफिकेशन, विविधता का नियम मनुष्य का बनाया हुआ नहीं है। ये मनुष्य को समझना है कि धरती पेड़ पौधे और पशु पक्षियों में इतनी विविधता है जिसका गणित आपके पास नहीं है। उसको कहीं जमीन के अंदर देखें, जमीन के बाहर देखें, हम उसके समानांतर अपनी फूड चेन के लिए, अपनी इकोनॉमी के लिए, अपनी सस्टेनेबिलिटी के लिए हमको क्रॉप पैटर्न कैसे तैयार करना है, ये महत्वपूर्ण रिसर्च का मुद्दा है यूनिवर्सिटियों का, क्रॉप पैटर्न बनाने का, जिसमें क्या हो जाता है, जिसमें मल्टी लेयर क्रॉपिंग सिस्टम लागू होता है। कैसे? मल्टी क्रॉपिंग पैटर्न में। तो पैटर्न हमारा मल्टी क्रॉपिंग हो, प्रोडक्शन हमारा मल्टी लेयर। इसको दिखाने के लिए क्या करेंगे हम, इसको दिखाने के लिए तीसरा नियम है प्रोडक्शन डेंसिटी। जमीन की नापतोल हम लंबाई और चौड़ाई में कर सकते हैं, लेकिन जमीन को जब हम उत्पादन की दृष्टि से देखेंगे तो वो लंबाई और चौड़ाई के साथ में गहराई और ऊंचाई में भी दिखेगी। ये किसानों को दिखने लगे और मैंने देखा है कि 50 फुट ऊपर तक काम करती है और हम गेहूं धान और गन्ने में 10-12 फुट तक ही रह जाते हैं। तो प्रोडक्शन डेंसिटी को बढ़ाना, इससे बड़ा काम होगा कि जमीन में जो तापमान बढ़ने का या सतह का जो असंतुलन है, जो तापदाब नमी का असंतुलन है, जहाँ कीड़े बीमारियों का प्रकोप बढ़ रहे हैं, जहाँ खरपतवारों के प्रकोप बढ़ रहे हैं, इनमें नियंत्रण होने लगता है। ये मैंने जांचा है, मैं अपनी बात जांच के आधार पर आपके सामने रख रहा हूँ, शोध आपको करना है। तीसरा चौथा जो मुद्दा है वो बड़ा गंभीर है, वो है कि वो इकोलॉजी को देखना, नैसर्गिक संतुलन। अब देश को बांट दिया हमने, कितना 9 इकोलॉजिकल जोन है। अब इकोलॉजिकल जोन हमने क्यों बनाए, वो पॉलिटिकल हैं, वो प्रोडक्शन बेस हैं, वो स्टेट के हैं, सेंटर के हैं, कोई उनका माई बाप है क्या, उनमें क्या करेंगे हम, हमारे पास में कोई परफेक्ट रूप में प्रोडक्शन प्लान नहीं है। तो मेरा ये निवेदन है कि पहले एग्रो इकोलॉजी को हम इकोनॉमी के साथ जोड़ दें, क्योंकि सस्टेनेबल इकोनॉमी के लिए एग्रो इकोलॉजी का बहुत बड़ा महत्व है। और इकोलॉजी क्या है, कहाँ पर हम वर्षामान तापमान और ऋतुमान तीन के आधार पर वहाँ की फसलों को, वहाँ के जीव जानवरों को जेनेटिक कोड में पहचान सकें
और जेनेटिक कोड में सेलेक्शन प्रोसेस से हम उत्पादन की तरफ उनको ले जाएं, हमें बहुत ज़्यादा हाइब्रिडाइज करने की जरूरत नहीं, बिल्कुल जरूरत नहीं है हमको सेलेक्शन प्रोसेस से। मेरे 8 एकड़ का सारे जमीन है मेरे पास में, और 20 गाय भी मेरे पास है, और मैंने देखा है कि 20 गायों को लेकर एक गांव के प्रधान के गले में वो गाय फंसी रहती हैं, और मेरे परिवार में वो 20 गाय मेरे पास सुरक्षित हैं, उनका चारा भी उसी फार्म से 8 एकड़ में आ पाएंगे, देखेंगे तो खुश हो जाएंगे, गाय भी मस्त हैं और मैं भी मस्त हूँ। क्यों? क्योंकि हमने उपमा देकर गायों को नहीं, उपयोगिता की दृष्टि से। तो अब ये जरूर नोट कर लें, हम प्रकृति को उपमा की दृष्टि से ना देखें, उपयोग की दृष्टि से देखें। गाय, देसी गाय नहाना नहीं चाहती, हम 10 वर्ष से उसको नहलाते ही नहीं, नहाने वालों की गाय इतनी सुंदर नहीं जितनी गाय हमारी सुंदर है, वो शैम्पू लगाते लगाते ही मर गए। हमने उनको खुला पानी छोड़ दिया, खुले जंगल की तरह उनको छोड़ दिया, उनको समय पर चारा 2-3 बार देते हैं, और आप देखोगे तो कितनी मस्ती के साथ, क्योंकि हमारे मन में उनकी उपयोगिता थी, हमारे मन में व्यापार नहीं था। व्यापार का मतलब जब तक गाय दूध देगी तब तक, मेरी जब दूध देगी तो खोल देंगे, अभी किनकी होगी, ये सड़क पे घूमेंगी, ये मानसिकता मनुष्य की है। परिवार ने समझा कि गाय की उपयोगिता में दूध भी है, दूध से बनी हुई परिवार की उपयोगी वस्तु भी है, गोबर भी है, पेशाब भी है, उसका वंश परंपरा भी है, और उसका प्रकृति के साथ में एक सानिध्य भी है। हम इन सारे फैक्टर पर यदि काम करते हैं तो पशुपालन की उपयोगिता दिखती है। इसी प्रकार से हमने एलाइड सेक्टर में जो भी काम हो सकते थे उनको खेत पे लेके चले, और एक कार्यक्रम की रूपरेखा बनी, और बहुत सुंदरता से। तो मैंने आपसे ये कहा कि इसमें प्रक्रिया के लिए भी 4 नियम आप ज़रूर उनको भी शोध करें। लॉ ऑफ डिस्टेंस, जैसे ही किसानों को हम डाइवर्सिफिकेशन में कहेंगे कि आप खेत में 10 फसल लगा सकते हो, उसको दूरी का नियम पता ही नहीं, वो स्पेस मैनेजमेंट जानता ही नहीं, ये साइंटिफिक रिसर्च का काम है। अब हम दूरी को कैसे डिफाइन करेंगे? हम दूरी को किताब में लिख देंगे कि 10 मीटर पर लगा दो, 20 मीटर पर लगा दो, ये अब तक हमने किया है, हम गणित जानते हैं। हमको दूरी का नियम समझाना है, व्यवस्था के अर्थ में संबंध की पहचान, कितनी दूरी पर हमको रहना है। कोविड के समय में मुझे इसकी डेफिनेशन क्लियर हुई कि ये 2 गज दूरी कौन सी दवाई थी, ये 2 गज दूरी कोई दवाई थोड़ी थी, पर ये हुआ ऐसा कि हम आकर्षण विकर्षण में जी रहे हैं। जब तक संबंध को नहीं समझते हैं तो या तो बहुत नज़दीक आ जाते हैं या बहुत दूर हो जाते हैं। जैसे उदाहरण के लिए, वो अन्यथा कोई ना ले, पति पत्नी में यदि ज़्यादा लगाव हो गया तो उंगली पकड़े रहते हैं, और जो लड़ाई बच गई तो 10-10 मीटर दूर हो जाते हैं। तो ये जो आकर्षण विकर्षण है, ऐसे ही लाभ की दृष्टि में आकर्षण विकर्षण है। ये धरती जब तक खेत मुझको जब दिखता है, जब उत्पादन देता है, जब उत्पादन नहीं देता खेत ही नहीं दिखता। तो मैं दुनिया को किस नज़रिए से देख रहा हूँ, ये बड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा है। तो परिस्थितियों के कारण हमने 2 चूक हमसे हुई हैं, उस पर गहरा काम हो। पहला कि हमने तकनीकी और विज्ञान को लिया, और साथ साथ में दृष्टि को भी लिया। दृष्टि व्यापार की थी और तकनीकी और विज्ञान गति के लिए था। हमने तकनीकी और विज्ञान पर बहुत काम किया, गति का मूल्यांकन ही नहीं किया कि ये व्यापारवादी दृष्टि हमारी धरती को तबाह कर देगी, गांव को तबाह कर देगी, देश टूट जाएगा, बेरोजगारी आ जाएगी, इस पर काम ही नहीं किया। तो मेरा निवेदन है कि हम दृष्टि पर काम जरूर करें। और यहाँ वसंत में मैं 3 शब्दों की एक व्याख्या आपके सामने रख रहा हूँ, उन पर आप गहरा काम करिए। समझना अलग वस्तु है, सीखना और करना अलग वस्तु है। सीखने और करने में विशेषज्ञता काम करती है, तकनीकी और विज्ञान काम करता है, लेकिन समझने के लिए ज्ञान की ही जरूरत है, उस दृष्टि की जरूरत है जहाँ मशीन काम नहीं करती तब भी रिश्ते बने रहते हैं। अर्थात धरती के साथ मेरा क्या संबंध है, इसको मशीन नहीं नाप सकती, पर मैं इस संबंध को समझता हूँ। तो मशीन से ऊपर उठकर हम अपने रिश्तों में भाव को समझते हैं। ये मेरे मित्र हैं, तो मित्र एक भाव है जो समानता में और स्नेह भाव के रूप में बहता है, तो उसमें ये फर्क नहीं आता कि मंच से इन्होंने बोला कि मैंने बोला। जब प्रद्युमन भाई बोल रहे थे तो मैं सोच रहा था कि मेरी बहुत सारी बात तो ये कह ही रहे हैं, मुझे दोहराने की क्या जरूरत है। ये पूरकता है। हम पूरकता विधि से
समझदारी पूर्वक ही आगे बढ़ सकते हैं। यदि समझ नहीं होगी तो पूरकता कभी भी आएगी ही नहीं, तर्क बना रहेगा, विरोध बना रहेगा, अलग अलग भागेंगे। इसलिए समझना, सीखना और करना तीनों पर गहरा शोध हो। सीखना स्किल का पार्ट है, ये स्किल डेवलपमेंट है, जहाँ एंटरप्रेन्योरशिप की बात हम कर रहे हैं ये सीखना है, और करना ये इम्प्लीमेंटेशन का पार्ट है, जहाँ पर हम प्रोडक्शन और प्रोडक्शन बैलेंस के साथ इकोनॉमी को देख रहे हैं, किसान को देख रहे हैं और राष्ट्र को देख रहे हैं, और इन दोनों को देखने का नज़रिया केवल और केवल समझना है। यदि समझना पूरा नहीं होगा साथियों, तो सीखना और करना बहुत पुण्य के रूप में नहीं फलेगा। मैं अन्य भाषा का प्रयोग तो नहीं कर सकता, भाषा की एक मर्यादा है, लेकिन इतना ज़रूर है कि बहुत प्रयास के बाद भी थकेंगे, पीड़ित होंगे और मुंह फिर फूटेगा और फिर रुक कर फिर देखेंगे। इस स्थिति में गुजरात की इस धरती से पूरे देश को कई संबंध मिले हैं। सहकारिता के लिए एफपीओ को लेकर 3-4 मुद्दों पर जरूर काम करिए। एफपीओ की फॉर्मेशन में एक रूपता कैसे आए, इस पर जरूर आप काम कर लें, नोट कर लें इनको जरूर साथियों, क्योंकि जो लोग एफपीओ पर काम कर रहे हैं उसको जरूर ध्यान दें। एफपीओ फॉर्मेशन अभी कोऑपरेटिव एक्ट में अलग गाना गाएगी और कंपनी एक्ट में अलग गाना गाएगी, इसलिए अलग अलग गाने गाने की बजाय इसको नेशनल लेवल पर एक पहचान दी जाए कि ये किसानों का संगठन है और ये किसान स्वयंस्फूर्त वृद्धि से आगे बढ़ने की मानसिकता से कैसे बढ़ेंगे। वो उनकी मानसिकता में व्यापार नहीं रहेगा, वो व्यवसाय करेंगे, वो धरती के साथ जिएंगे, इसलिए इनका रजिस्ट्रेशन कोड क्लियर तरीके से वेरीफाई किया जाए और ये गुजरात की धरती से ये आवाज़ उठनी चाहिए, ये राष्ट्र को संकेत जाएगा तो अच्छा होगा। दूसरा है एफपीओ फॉर्मेशन में कंप्लायंसेस बहुत सरल हों ताकि किसान समूह आसानी से समझ ले, और उनके जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं और उनका जो सीईओ है वो एक ऐसा सिस्टम बनाया जाए जो प्रकृति की व्यवस्था के साथ जीना समझ ले। हम उनको कंपनी बनाकर ना छोड़ दें, नहीं तो वो खाद बीज दवाई बेचकर किसानों का शोषण करेंगे, एक समानांतर बाजार तंत्र हम खड़ा कर देंगे। तो ये कंप्लायंसेज वाला जो सिस्टम है इसको बहुत व्यवहारिक बनाए जाने की जरूरत है। तीसरा मुद्दा है उनका प्रोजेक्टिव एग्जीक्यूशन, इस पर कोई चर्चा नहीं हो रही। वो करेंगे क्या, वो खाद बीज दवाई बेचेंगे क्या, वो बनाए गए हैं कि कृषि के व्यवसाय को हम आगे लेकर कैसे चलें। व्यवसाय का मतलब है प्रोडक्शन मैनेजमेंट, क्वालिटी सर्टिफिकेशन, प्रोसेसिंग, ब्रांडिंग, पैकेजिंग और मार्केटिंग। इस टोटल एक्शन प्लान को इंटीग्रेट करने का नाम है प्रोडक्शन मैनेजमेंट, यही एग्जीक्यूशन है एफपीओ का। ये एग्जीक्यूशन पूरा होगा, किसानों के पास पैसा बहुत आएगा, एफपीओ मालदार होते जाएंगे, और चौथी बीमारी लग जाएगी कि इनका बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के राजनीतिक झगड़े होंगे, फिर कौन अध्यक्ष बनेगा और कौन कोषाध्यक्ष बनेगा, और इस झगड़े में सारे डूबेंगे। इसके लिए फिर क्या है? इनका इंटरनल एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट कैसे होगा? ये जो इंटरनल एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट है इसमें 2-3 पार्ट हैं। पहला पार्ट है कि ईद के रेजोल्यूशन में रखा जाए कि हम हमेशा योग्यता का मूल्यांकन करेंगे, इसलिए कभी भी चुनाव प्रक्रिया को नहीं लागू करेंगे, चयन प्रक्रिया से चलेंगे। तो चयन और चुनाव के मुद्दे को नहीं, तो पूरा इधर राजनीतिकरण हो जाएगा। मैं राजनीति को बुरा नहीं मानता हूँ, अधूरी है, पूरा करना है आप सब लोगों को मिलकर। ये एक बढ़िया शुरुआत है, तो एफपीओ को एक बढ़िया परफेक्ट टूल के रूप में हम। दूसरा एक मैंने किया कि उसको चुनाव से नहीं जोड़ेंगे, चयन प्रक्रिया से जोड़ेंगे। चयन प्रक्रिया में योग्यता का मूल्यांकन होता है और चुनाव प्रक्रिया में मत का मूल्यांकन होता है। मत में योग्यता नहीं होती है तो योग व्यक्ति के मत की भी वही कीमत और एक अनाड़ी के व्यक्ति भी वही कीमत, एक भंगड़ी भी उसकी वोट की भी वही कीमत और एक राष्ट्रपति की भी वही कीमत। ये दुर्दशा एफपीओ में ना हो, इसके लिए स्वतंत्र मेमोरेंडम बनाया जाए। दूसरा, इसकी बैलेंस शीट करोड़ों में ना चली जाए। ये करोड़पति जरूर बने हैं, ये 10-20 करोड़ 100 करोड़ बने, हमें कोई आपत्ति नहीं, लेकिन इनकी बैलेंस शीट में एक चीज दर्ज होनी चाहिए कि हमने कितने परिवारों को समृद्ध परिवारों में ट्रांसफर किया, अर्थात कितने परिवारों की इकोनॉमी बढ़ी। और इकोनॉमी का वैल्यूएशन केवल पैसे से नहीं करेंगे, तन मन धन का बजट बनाएंगे, उनकी मानसिक चेतना क्या है। मैंने 60,000 लोगों को बीकीपिंग सिखाई और 13 वर्ष के बाद एक झटके में बंद कर दिया। क्यों? मुझे पता लगा आदमी
पैसे की कमी से दुखी नहीं है, समझ की कमी से दुखी है। और क्या पता लगा उसमें, उसमें ये पता लगा कि जो मालदार होते रहे वो बीड़ी छोड़कर सिगरेट पीते रहे, देसी शराब छोड़कर अंग्रेजी पीते रहे, घरों में मुकदमेबाजी बढ़ती गई और आदमी बिखरते गए। क्या करेंगे ऐसी तरक्की का? हमें परिवार मूलक ग्राम स्वराज की कल्पना को साकार करना है। इसलिए पांचों आयाम बैलेंस शीट के पार्ट हैं। शिक्षा संस्कार से जुड़ जाए, उत्पादन कार्य, कार्य का मतलब श्रम होता है, हमने श्रम का सम्मान ही छोड़ दिया। स्वास्थ्य संयम से जुड़ जाए न्याय सुरक्षा के साथ, और हमारी बैंकिंग प्रणाली समृद्ध रूप में बढ़े। और वो दिन आए भारत में जिस दिन किसान बैंक से ऋण दे ले नहीं, बैंक को ऋण दे। इस कामना के साथ मैं आप सभी के साथ में कुछ प्रस्ताव रखने के लिए आया, मुझे बहुत अच्छा लगा। और मैं हमेशा हमेशा इरमा के साथ और गुजरात के साथ काम करने के लिए आया हूँ। भावनात्मक रूप में भी रहूँगा और जैसा आप चाहेंगे वैसे भी रहूँगा। आपको हृदय से साधुवाद, थोड़ा समय ज़्यादा लिए उसके लिए क्षमा चाहूँगा। सभी को प्रणाम।